तख्त श्री दमदमा साहिब विखे दरख्त लगाए जाने की मुहिम लगातार जारी है। अज गुरु काशी गुरमत इंस्टीट्यूट विखे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 550 दरख्त लगाए गए ने। इस मौके पर श्रोमणी कमेटी मैंबर समेत इंस्टीट्यूट के प्रिंसीपल वालों भी खुशी का प्रगटावा किया गया है। उन्होंने वालों आख्या गया कि श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों वातावरण बचाने के लिए रुख लगाने का सुनेहा दिता गया है, जिन्हों आदेशों से ही दरख्त लगाए जा रहे हैं। वातावरण बचाने बहुत ही जरूरी ने। इस मौके पर श्रोमणी कमेटी मैंबर मोहन सिंह गंभी वालों आख्या गया कि तलवंडी साबो विखे जिथे भी अनुकूल जगह मिलेगी उत्थे वध तो वध दरख्त लगाए जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये आदेश दिते गए ने जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों और उन्होंने आदेशों से चलते हुए उन्होंने वालों दरख्त लगाने की यह मुहिम शुरू की गई है। तस्वीर तुम देख सकते हो कि किस तरह जंगल एक तैयार किया गया है। 550 रुख लगाए गए ने, जिन्हां दे विच पुरातन किस्म के दरख्त शामिल ने अते ओ दरख्त भी शामिल ने जिन्हां दा जिक्र पवित्र गुरबाणी दे विच भी आउंदा है। इस मौके ते दरख्त लगाए जाण तों बाद किस तरह खुशी का प्रगटावा श्रोमणी कमेटी मैंबर अते गुरमत इंस्टीट्यूट दे प्रिंसीपल नज़र आए ने, आओ सुणांदे हां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी के दिशा निर्देशों अनुसार सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दिशा निर्देशों अनुसार अज तलवंडी साबो गुरमत विद्यालय कॉलेज के जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों मुहिम चलाई गई है रुख लगाने की, उस कड़ी के तहत ही अज असी इत्थे पहलकदमी की आ, जिथे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सारे अदारों के गुरद्वारे साहबाना दख जमीन के जंगल लवा रही आ, उ अज असी भी इतने मुहिम दे इस मुहिम के तहत जी गुरमत विद्यालय कॉलेज जो गुरु काशी तलवंडी साबो के है वो रुख लगाने की मुहिम के योगदान पाने की कोशिश की आ। सो 550 के करीब अज असी रुख लाए न। सो अगे तो भी कोशिश करांगे तलवंडी साबो के नेड़े गुरद्वारे साहबाना वख वख अदारों के जो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन चल रहे हैं सारे के जिते खाली जगह पईआं असी रुख लाने का उपराला करांगे। किस तरह के बूटे लगाए है ये जो पुरातन सीगे बूटे पुराने ज जिस तरह बण सीगे निम सीगे पिपल सीगे जां होर तरह के जिहड़े सीगे दरख्त पुराने सभ्यता नूं जिहड़े दर्शाउंदे ने उस तरह के असी बूटे लाने की कोशिश की है। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलों और सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी मानयोग सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी उन्हां वलों जो आदेश होए ने वातावरण की संभाल के लिए वध तो वध दरख्त लाने के लिए अज उस लड़ी के तहत अपना गुरु काशी गुरमत इंस्टीट्यूट तलवंडी साबो दे विच एक गुरु नानक पवित्र जंगल है जिहड़ा वह लगाया गया। तकरीबन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के जिन्हें भी रुखों के नाम आए ने वह सारे ही रुख जोड़े है इतने लगाए गए हैं, जिमें कि सिंबल का रुख है, होर कई ऐसे रुख ने जोड़े कि अज सू देखने नहीं मिलते है, नाम उन्होंने जरूर पता ने पर देखने नहीं मिलते दे, वह रुख जोड़े है इतने लगाने का यतन किया गया ता कि वो तो वही हैगी वातावरण की संभाल हो सके, क्योंकि आने वाला समा जोड़ा वो बहुत ही भयानक आ रहा है, क्योंकि अज ऑक्सीजन की कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है, वैदर चेंज हो रहा। सो वैदर मेनटेन करने के लिए और वातावरण की संभाल करने के लिए जोड़ा ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक शलाघाजोग उपराला जोड़ा किया जा रहा, उस ही तहत ये जोड़ा अच्छ जंगल है लगया जा रहा। और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबान सरदार मोहन सिंह जी बंगी, सरदार जगसीर सिंह जी मांगियाणा साहिबान उन्होंने आके अपने घर कमलों द्वारा ये जोड़े है बूटे लगाए ने और अज असं ये बूटे लगा के खुशी महसूस कर रहे हैं जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। की नाम भजन? मलविंदर सिंह। श्रोमणी कमेटी दे थ्रू श्रोमणी कमेटी द्वारा प्रधान जी वालों जथेदार वालों ये सेवा सारी की जा रही है। इतने तुम देख रहे हो गुरु काशी इंस्टीट्यूट साढ़े पिछे जिथे 550 रुखों का जंगल अज मुकम्मल होया है। इको सिख संस्था ने मिल के ये जंगल लाया है
तो मैं होर प्रबंधकों गुरुद्वारे प्रबंधकों सेवादारा जिन्हें भी गुरुद्वारे अंदर जमीन पईयां उन्होंने बेनती करांगा भी तुसी सानू जगह दिओ सेवा कराओ साडे कोल असीं तुहाडे नाल मिल के होर वध तो वध रुख लावांगे फॉरैस्ट लावांगे। तो ये जिहड़ा फॉरैस्ट लगाया गया है उस परिवार का भी मैं धन्यवाद करना वा सिमरन कौर जी के परिवार वालों ये सारा इत्थे संयोग पाया गया है फॉरैस्ट लाने ते सरे सिंह साहिबान आए हैं इत्थे जथेदार साहब आए उन्होंने अपने हथों इत्थे बूटा लाया है तो सो सारियां नूं मैं धन्यवाद करदा जी होर वध तो वध जंगल नाल कमेटी लाया की वखरा कीता इत्थे मियाँ वाकी टैक्निक नाल एक जंगल लाया गया जिथे 550 रुखां दा एक विधि नाल 200 गज जमीन के उत्ते 550 रुख लाए गए हैं जो कि असी इहदे अंदर नेटिव बूटे लाए हैं 550 रुख पंजाब दे नेटिव जिहड़े साढ़े तो दूर हो चुके हैं उन्होंने मुड़ सुरजीत कर रहे हैं असी इत्थे जिहदे अंदर तुसीं जिहड़ा निम है टाली है अक है सुजा सुहांजना है सरी है होर साढ़े दवाइया के बूटे हैं फ्रूट वाले बूटे ने अंदर सो सारियां नूं मेरी यही बेनती है जिते जिते तुहाडे कोल जगह है तुसी सानू फोन करो कॉन्टैक्ट करो असी तुहाडे नाल मिल के होर जंगल लावांगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਰਤਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।